पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतानहीन मनुष्य और जिनकी संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो तो इस व्रत को रखते हैं उनके कष्टों को दूर करने के लिए। पुत्रदा एकादशी इस बार 27 अगस्त को मनाई जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठर कहने लगे कि हे मधुसूदन, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महत्व क्या है, कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। जिनके संतान ना हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है और ना मैंने कभी देवता तथा ब्राह्मणों का धन ही छीना। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहता हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड भी नहीं देता हूँ। कभी किसी से घृणा तक नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? तब राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निर्हार जितेंद्रिय जित क्रोध संतान धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है, अतः संकोच मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग महिष्मती की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कार्य किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यकाल के समय, जबकि वो दो दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। तब उस स्थान पर एक तत्काल ही ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। तब इस राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है।
एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा वचन सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों को पश्चाताप भी लिखा है, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तब लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तब तुम सब लोग मिलकर इस व्रत को करो और रात्रि को जागरण भी करो, इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और सब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा, अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक से संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तब वो मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें जिनके संतान नहीं है। इस व्रत को करने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से सुनाई हुई पुत्रदा एकादशी की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।